आज क्या सीखना है? कैलकुलेटर देखें जरा, फर्स्ट टाइम हाथ में लिया है तुम लोगों ने इसको, इस हथियार को कितना चलाना आता है तुमको? नॉर्मल प्लस माइनस वगैरह ये सब करने आते हैं। चलो फिर देखो, ट्राई करो, देखते हैं आज इस कैलकुलेटर में अंदर क्या क्या है। सब लेके आ गए? वेरी गुड। लाया हुआ था क्या घर पे पहले से ही? अच्छा, क्यों, क्या काम था तुम्हारे? अच्छा, अंकल है। चलो देखो, जीटी वाला बटन है क्या? प्लस स्लैश माइनस है भी, ठीक है, फिर उस पर हाथ सेट कर सकते हैं अपन। तो चलो, तुमको कैलकुलेशन करने के लिए देता हूँ, ट्राई करो। 21 × 67, 22 × 66, 23 × बताता हूँ 65, और 24 × 64। मुझे क्या चाहिए? मुझे इनका टोटल चाहिए। कैसे करेंगे बताएं? टोटल कितना? 5890। ओके, और कोई? ऑनलाइन? ध्रुव, मैंने स्क्रीन शेयर कर रखी है, आप चेक करें। 5890। ओके जी, ओके वैदिक, ओके रिद्धिमा, ओके सक्षम, हाँ आदित्य। अच्छा, बताया था किसी ने, ठीक है। ओके, जाके आप प्रगति एंड रिद्धिमा, ठीक है। हाँ जी, कितना? 5890। बहुत ज्यादा आ गया। अरे सारांश कैसे आया ये? सबको सबको थोड़ी ना करना था। या तो देखो, अगर जिसको नॉर्मल कैलकुलेटर चलाना था वो क्या करेगा, सबको इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करेगा और फिर उनका टोटल क्या कर देगा, अलग से सब वैल्यूज को लिखकर फिर उनका टोटल कर देगा। हम क्या करेंगे वो सुनो, हम यूज करेंगे किसका? वैदिक ने लिखा भी है, हम यूज किसका करेंगे? एम प्लस और एमआरसी का। एम प्लस और एमआरसी, एम प्लस की फुल फॉर्म मेमोरी में प्लस करना। किसी वैल्यू को अगर मेरे को कैलकुलेटर को याद करवाना है तो मैं एम प्लस प्लस कर दूंगा, और वो भी क्या, पॉजिटिव वैल्यू। मुझे उसको ऐड करना हो या कहीं पे सिर्फ याद करवाना, दो पर्पज सॉल्व है। याद भी करवाना हो, मुझे वापस रिकॉल करना हो तो भी मैं मेमोरी में डाल सकता हूँ, और मेमोरी में अगर मुझे एड ऑन के अंदर डालना हो उसे तो भी मैं उसे एम प्लस कर सकता हूँ। मान लो कोई कैलकुलेशन मुझे वो डिजिट प्लस करना हो तो उसको मैं एम प्लस कर सकता हूँ। अभी देखना कैसे होगा। और एमआरसी की फुल फॉर्म मेमोरी रिकॉल एंड कैंसिलेशन, मेमोरी रिकॉल एंड कैंसल। ओके, एमआरसी। अब सर ये होगा कैसे, ट्राई करो मेरे साथ। 21 × 67 कैलकुलेटर पे, और फिर प्रेस कर दो एम प्लस। क्यों? क्योंकि मुझे इसे क्या करना था, ऐड करना था बाकी तीन वैल्यूज के साथ, तो मेमोरी में मैंने इसे प्लस कर दिया। अब कैलकुलेटर ने इसे याद कर दिया है, और वो भी कैसे, तैयार है कैलकुलेटर की, आगे और वैल्यू ऐड कर सकते हो आप, ठीक है। चलिए, 22 × 66 एम प्लस, ये भी मेमोरी में प्लस करते ही वो पहली वाली जो वैल्यू था ना, आंसर आया होगा उसमें जाके ऐड हो गया होगा। ओके, फिर उसके बाद 23 × 65 एम प्लस, ये उन दो वैल्यूज के टोटल में ऐड हो चुका है। और उसके बाद 24 × 64 एम प्लस, ये फोर्थ वैल्यू भी बाकी तीन में ऐड हो चुका है। नाउ अब आप क्या करेंगे, एमआरसी देखो कितना आंसर आया, 5890। इससे क्या हुआ,
ये बाकी जो जितने भी चारों कैलकुलेशन उन सबका टोटल हमें शो कर रहा है। मेमोरी रिकॉल मतलब जितने भी आपने मेमोरी में डाले थी सारी वैल्यूज, चार वैल्यूज हमने मेमोरी में डाला था वो सारों का टोटल करके हमको एमआरसी बता रहा है। एमआरसी मतलब वो जो मेमोरी में गया हुआ है उसे कैलकुलेटर शो कर दे, एमआरसी मेमोरी रिकॉल। ओके सर मैं है ना, तो अपने रजिस्टर में सबसे पीछे से चालू हो जाओ लिखना, रजिस्टर में सबसे पीछे चालू हो जाओ, रिवर्स लिखना, जितने पेजेस भरेंगे भर जाएंगे। हाँ लिखो ये वाला चीज फर्स्ट कैलकुलेशन। दोनों ही क्वेश्चन भी और आंसर भी, पहले क्वेश्चन था और फिर आंसर। हाँ एज इट इज लिखना है ना, ताकि आपको हमेशा याद रहे। हाँ जी ऑनलाइन वालों समझ में आया, जिसने एम प्लस से नहीं किया उसको हाँ जी वैदिक आपको एम प्लस पहले से आता था, वेरी गुड। हाँ जी ओके ध्रुव, हाँ जी लिख लिया सबने, चलो फिर एक और ट्राई करो। हाँ जी एक और ट्राई करो, 16 × 51, 15 × 52, 14 × 53, 13 × 54, करो टोटल कितना आ रहा है, 3040। ओके 3040 और कोई, किसी के तो गलत आया होगा। ओके वैदिक रिधिमा सबके सही आ गया, अच्छा वेरी गुड, किसी के ज्यादा आया हो 8000 समथिंग, कोई ऐसा नहीं। अच्छा इसका पहले वाले का आंसर क्या आया था वो अपन ने लिखा ही नहीं, 5890। ओके और इसका बताया आपने 3040, श्योर ठीक है। कैसे किया वही एम प्लस एम प्लस एम आर सी ठीक है। ओके ध्रुव हिमांशु जा किया ठीक है, अब इसको एक और तरीके से ट्राई करो, जो आदित्य बोल रहा था ना सर जी डी से सीखा था अपन ने, तो उससे ट्राई करो। सुनो इस बार हम यूज किसको करेंगे, जी डी को, जी डी का फुल फॉर्म ग्रैंड टोटल या ग्रॉस टोटल। ओके अब इससे कैसे होगा सर, मैं कहा देखो लिखो 16 × 51 = 15 × 52 = 14 × 53 बोले तो 53 and 13 × 54 = सबके बाद इक्वल्स टू प्रेस करना और लास्ट में जीटी प्रेस कर देना, देखो आंसर आता है क्या। आ गया ओके जी, नहीं आया कुछ ना कुछ गड़बड़ किया है। आ गया ना 3040। हाँ हाँ जी 3040 सब क्या आया। तो जीटी क्या कर रहा है पता है, जीटी कैसे काम करता है, एमआरसी तो कैसे काम किया, जितना आपने मेमोरी में डाला उसको मेमोरी रिकॉल करवाता है। जीटी क्या करता है, जितने आंसर स्क्रीन पर शो हो रहे हैं रिफ्लेक्ट हो रहे हैं उन सबको टोटल कर देता है। आपने कितने आंसर्स रिफ्लेक्ट किए, आपने पहला इक्वल टू प्रेस किया तो ये आंसर स्क्रीन पे शो हुआ होगा, फिर ये एक बार और इक्वल टू किया तो ये आंसर भी स्क्रीन पे शो हुआ होगा, फिर ये स्क्रीन पे शो हुआ होगा, फिर ये स्क्रीन पे शो होगा, चार आंसर स्क्रीन पे शो हुए होंगे आपके, वो चारों आंसर का टोटल करके आपको कौन बता देगा, जीडी।
तो जितने भी आंसर स्क्रीन पे शो रहे आंसर रिफ्लेक्ट होते हैं, जैसे आप कोई भी कैलकुलेशन करते हो स्क्रीन पे शो रहा है, उसके बाद जब तक वो ग्रीन वाला बटन प्रेस नहीं कर देते, फिर आप अगर जीडी प्रेस कर देते हो उससे पहले, तो उन सारे वैल्यूज का क्या कर देगा, टोटल करके आपको बता देगा। ठीक है, लिखो। अच्छा, किसी की स्क्रीन पे एम्प लिखा हुआ आ रहा है क्या अभी भी कैलकुलेटर पे? नहीं आ रहा है, लेफ्ट साइड में एम लिखा हुआ आ रहा हूं, आ रहा है अभी भी? तो फिर आपकी दूसरी कैलकुलेशन सही कैसे हुई 3040 वाली? पॉसिबल ही नहीं है, है ना, नहीं हुई थी ना सही। हाँ, फिर बोले क्यों नहीं, ऐसे क्यों बोले हो गई, गलत बात है ना, मेरे को तो दिख जाता है कैलकुलेटर की शक्ल देख के, ठीक है ना, कि हाँ कौन से वाले के अंदर है, इनमें नहीं आएगी प्रॉब्लम, आगे वालों के पास जो कैलकुलेटर है, जो आदित्य के पास है या जो आपके पास है, उसमें क्या होता है, सीख, कभी भी कुछ नहीं आए तो हैंड टू हैंड पूछो, ये मत सोचो कि हाँ मेरा क्वेश्चन सिली है, होने दो, टेंशन नहीं लेने का, वो टेंशन बाजू वाले लेंगे ना, अगर तुम्हारा क्वेश्चन सिली होगा तो वो टेंशन बाजू वाले लेंगे, हो सकता है कि तुम्हारे डाउट जेन्युइन हो, तो वो तुमको जज नहीं करना है कि तुम्हारा डाउट जेन्युइन है या बेकार है, तुम तो पूछ लो बस, ठीक है। अच्छा, अब वो देखो, वो चक्कर ये पड़ता है कि जो वो कैलकुलेटर है आपके पास, उसमें क्या होता है, एक बार एमआरसी प्रेस करने से सिर्फ मेमोरी रिकॉल होता है, आप एक बार और एमआरसी प्रेस करोगे तब जाके वो मेमोरी से कैंसिल होगा, और हाँ दो बार एमआरसी प्रेस कर दो हट जाएगा, हट गया ना, और जब तक वो एम हटेगा नहीं ना, तब तक दैट मीन्स कोई ना कोई वैल्यू अभी भी कैलकुलेटर की मेमोरी में पड़ा है, और अगर वो मेमोरी में पड़ा रहेगा तो उसके बाद अगर हम एम प्लस वाली फिर से कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा सेकंड वाला आंसर सही नहीं आएगा, कभी नहीं, ठीक है, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखो, पूछ लिया करो डाउट्स वगैरह, कुछ भी गड़बड़ हो। देखो, तुम लोग यहां सीखने के लिए आए हो, इसका मतलब तुमको कुछ नहीं आता, ठीक है ना, तभी तो सीखने आए हो, अगर कुछ आता होता तो फिर यहां क्यों होते, ठीक है ना, इसलिए टेंशन नहीं लेने का। लिख लिया वाला बोलो फटाफट से, आपने लिखा क्या, लिखो फटाफट, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, तो हमने एम प्लस एम आर सी सीखा, हमने जी टी सीख लिया, अब और आगे बढ़ते हैं। लिखा, लिख रहे हो, लिखो लिखो, ये लो, लिख लिया, ऐसे बोलोगे हाँ मैं क्या लिख रहे हो, हाँ हाँ सुनो, ओके चलो एक और कैलकुलेशन देते हैं तुमको करने के लिए, 15 × 35 + 14 × 26 - 12 × 19, देखो कैसे करते हैं। जीटी पॉसिबल नहीं होगा, जीटी तो क्या करता है, सारे आंसर्स को क्या कर देगा, टोटल कर देगा, आप देखो तो एक माइनस भी तो करना है, एम प्लस और एमआरसी, अच्छा ट्राई करो देखो कितना आता है, 1886, ओके सक्षम वृद्धिमान ने भी यही कहा 1886, बाकी के लोग ट्राई करो, लगाओ दिमाग अपना, फिर तो मैं बताऊंगा। इंडिविजुअली तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि भैया 15 × 35 कैलकुलेट किया, लिख दिया, प्लस 14 × 26 किया, हाँ कर दिया, ये नहीं कैलकुलेटर से 1386, ओके 1886 आ रहा है बच्चों के, 500 कहाँ रह गए तुम्हारे, नहीं आया सर, ओके ध्रुव, हर वैदिक, ओके जाकिया, ओके प्रियल, नहीं आया, नहीं आया ना, ओके जरा ट्राई करते हैं, देखो 15 × 35 ये वैल्यू क्या करना है अपने को,
ऐड करना है ना, प्लस करना है, तो उसके बाद हम प्रेस कर देते हैं क्या, एम प्लस। अच्छा 14 × 26 ये वैल्यू भी हमें क्या करना है मेमोरी में प्लस, मतलब ये वैल्यू प्लस करना है, तो हम इसको भी मेमोरी में डाल देते हैं कि भैया तू भी जाके क्या हो जाए, पहले वाले वैल्यू में ऐड हो जा। लास्ट वाला वैल्यू मुझे क्या करना है, माइनस करना है। तो एक काम करते हैं ना, 12 × 19 करके इस वैल्यू को माइनस करना है ना, तो वो जो मेमोरी में वैल्यू सी उसमें से हम क्या कर देंगे माइनस, तो एम माइनस का बटन प्रेस कर दो और फिर एम आर सी प्रेस करो फाइनल आंसर के लिए कि बताओ मेमोरी रिकॉल। अब बताओ कैलकुलेटर की लास्ट फाइनल आपकी मेमोरी में कितना वैल्यू है, कितना आया, 1880 आया ना, अच्छा 1886 है, सॉरी 1886 लिखो, आया नहीं आया, अब बस ट्राई करो देखना प्रियल साथ देख साथ साथ। लास्ट में लास्ट कैलकुलेशन करो अब एक बार और, आ गया, रटना नहीं है समझना है। दो वैल्यूज प्लस की थी, एक वैल्यू माइनस की थी, तो जो दो वैल्यूज की कैलकुलेशन हमने की उसके बाद तो हमने एम प्लस प्रेस किया, और जो कैलकुलेशन माइनस में था उसे का वैल्यूएशन करने के बाद हमने क्या कर दिया, एम माइनस प्रेस कर दिया, ताकि वो दोनों वैल्यूज में क्या हो जाए, डिडक्ट हो जाए, ठीक है ना। ओके एम आर सी आ गया, प्रेस करते फिर हमें फाइनल आंसर शो हो गया, क्लियर है वाली चीज। तो एम प्लस एम माइनस एम आर सी सीखे। अच्छा एक और कैलकुलेशन दूंगा ट्राई करने के लिए तुमको, हाँ फिर उसको लिखने की जरूरत नहीं, भले ही ट्राई कर लो। चलो 15 × 45 15 × 35 15 × 25 15 × 15। आप इसको जीटी से भी करो एम प्लस से भी करो, दोनों से देखो कितना आंसर आ रहा है। अठारह सौ 1800। ओके रिद्धिमा, ओके सक्षम, आदित्य ने बता दिया ना रियल, ठीक है 1800। ओके अठारह सौ ओके ट्राई करो, दोनों से आना चाहिए, जीटी से तो आ जाएगा। फर्स्ट मेथड क्या हुआ, 15 × 45 एम प्लस, 15 × 35 एम प्लस, 15 × 25। पता है जिसके एम प्लस से नहीं आ रहा उसमें प्रॉब्लम क्या रह रही है, वो लास्ट वाला वैल्यू के बाद एम प्लस नहीं प्रेस कर रहे होंगे, उनको बहुत जल्दी है ना आंसर की, हाँ वो फटाफट भागते हैं, वो एम प्लस लास्ट वाले में प्रेस नहीं करते, तो वो तो ऐड ही नहीं हुआ ना इसका मतलब, तो इसलिए लास्ट वाले के बाद भी एम प्लस और देन एम आर सी। सेकेंड मेथड कौन सा, जीटी वाला, 15 × 45 इक्वल्स टू 15 × 35 इक्वल्स टू 15 × 25 इक्वल्स टू और 15 × 15 इक्वल्स टू और देन जीटी। जितने भी आंसर स्क्रीन पे शो होंगे उन सबका टोटल कर देगा, डन ओके। हाँ जी ऑनलाइन वेरी गुड, अभी समझ में आ गया तुमको सबको। अच्छा एक और तरीका सिखाता हूं इसमें, इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और तरीका, पता है इसमें एक चीज कॉमन थी क्या, ये जितनी भी वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है 45 35 25 15 वो सब किससे मल्टीप्लाई हो रही है, 15 से मल्टीप्लाई हो रही है, दैट मीन्स 15 जो वैल्यू है वो कॉमन है। तो अगर एक ही अमाउंट को अपने को अलग अलग अमाउंट से मल्टीप्लाई करना हो
तो वो एक अमाउंट, सिंगल अमाउंट केवल एक बार लिखना, मल्टीप्लाई का बटन प्रेस करना और फिर अमाउंट इक्वल अमाउंट इक्वल अमाउंट इक्वल अमाउंट इक्वल 45 इक्वल 35 इक्वल 25 इक्वल 15 इक्वल और फिर देखना जीटी प्रेस करके टोटल आता है क्या। आ गया, बार बार 15 लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सॉरी हाँ 15 और मल्टीप्लाई का बटन भी बार बार प्रेस नहीं करना पड़ा। तो अगर हाँ जी समझ में आया क्या, तो सेम अमाउंट को अगर अलग अलग अमाउंट से मल्टीप्लाई करना हो तो वो सेम अमाउंट केवल एक बार ही लिख दो, मल्टीप्लाई का बटन सिर्फ एक ही बार प्रेस कर दो और फिर अमाउंट इक्वल अमाउंट इक्वल अमाउंट इक्वल अमाउंट इक्वल। सर ये कब काम आता है? हाँ जब सेम वैल्यू को अलग अलग वैल्यू से मल्टीप्लाई करना हो। जब सेम वैल्यू को अलग अलग वैल्यू से मल्टीप्लाई करना हो। ओके डन, ठीक है। फिफ्थ नंबर, डिवाइड सिक्सटी टू 500 इंटू 543, रुक जाओ 62 500 नहीं, हाँ 543 21 61500 को आप क्या करो 5 4 3 2 1 के रेशियो में बांट दो। क्या आपको डिस्ट्रीब्यूट करना आता है? हाँ ऑब्वियसली सर हमको आता है, इनका टोटल लगा दिया जाएगा, कितना आएगा टोटल 15 और इस फिर 15 को क्या किया जाएगा 61500 × 5/15 4/15 यही तो करोगे। अब एक काम बताता हूं, 61500 को आप क्या कर दो पहले 15 से डिवाइड कर दो, फोर वन डबल जीरो इक्वल टू करते हैं आंसर आ गया। अब ये सेम अमाउंट को मुझे क्या करना है 5 से भी मल्टीप्लाई करना है 4 से भी करना है 3 से भी करना है 2 से भी करना है 1 से भी करना है राइट। तो डिवाइड पहले कर लो, ये कहां जो मैंने लास्ट सिखाया वो कहां काम आएगा, डिवाइड पहले कर लो, सेम अमाउंट आ गया मल्टीप्लाई का बटन सिर्फ एक बार, अमाउंट इक्वल अमाउंट इक्वल अमाउंट इक्वल अमाउंट इक्वल अमाउंट इक्वल, बस देखना जरा कितना कितना आ रहा है 61500 / 15 इक्वल टू किया ये एक अमाउंट मुझे मिल गया। अब इस सिंगल अमाउंट को ही मुझे 5 से भी मल्टीप्लाई करना है 4 से भी करना है 3 से भी करना है 2 से भी करना है और 1 से भी करना है, तो मल्टीप्लाई का बटन सिर्फ एक बार, देन अमाउंट इक्वल अमाउंट इक्वल अमाउंट इक्वल कितना कितना आया बोलो 5 करने पर 20500 4 इक्वल टू 16400 3 इक्वल्स टू 12 ओके 2 इक्वल्स टू 8000 और 1 इक्वल टू 4100 समझ आया कि वो जो ऊपर सीखा था वो कहां पे काम आ सकता है, रेशियो में काम आ सकता है यार, अपने वो रेशियो में कोई वैल्यू डिवाइड करना हो तो पहले डिवाइड कर लो इक्वल टू करके, वो अमाउंट आ जाएगा जिससे अलग अलग वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है फिर अमाउंट इक्वल अमाउंट इक्वल अमाउंट इक्वल लिख लो। हाँ टोटल तो वो 61500 था ही, ठीक है और अदरवाइज जीटी वापस। हाँ जी नेक्स्ट
हाँ जी देखो, चलिए सर हमने m प्लस एम माइनस और जी टी इस पे प्रैक्टिस किया, सेम वैल्यू को अलग अलग अमाउंट से मल्टीप्लाई करना उस पर भी प्रैक्टिस किया। अब कुछ और बटन की तरफ हम चलते हैं। क्या आपको मल्टीप्लाई करना आता है नॉर्मल? हाँ सर वो भी तो किया था बीच बीच में मल्टीप्लाई। मैंने कहा चलो एक काम करो फिर ये बताओ 2 की पावर 5। हाँ कैलकुलेटर से बताना ना, वरना मेरे को दूसरा उल्टा सा देना पड़ेगा। चलो 32। चलो एक काम करो 12 की पावर 5 बता दो। 2 4 8 3 32। ओके कैसे किया? 12 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 12 इंटू ऐसा। हाँ क्या होता है जब अपने को एक्चुअली क्या करना है, 12 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 12 यही करना है ना। तो कैलकुलेटर एक फैसिलिटी देता है आपको क्या कि आप 12 लिखो एक बार फिर मल्टीप्लाई का बटन प्रेस करो इक्वल टू कर दो। ये 2 बार मल्टीप्लाई हो गया है, ये 3 बार मल्टीप्लाई है, 4 बार मल्टीप्लाई है और ये 5 बार मल्टीप्लाई। बस तो बाकी जितने भी 12 लिखना था उसके लिए सिर्फ आपको इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू प्रेस करना और कुछ नहीं। कितना है अपना वापस बताना एक बार। 2,48,832। ओके लिख लो। पावर 5 में था तो इक्वल टू अपने को सिर्फ 4 बार प्रेस करना। क्यों? अपन क्या बोलेंगे, जैसे ही अपन 12 इंटू इक्वल टू बोलेंगे मन में बोलेंगे 2 इंटू इक्वल टू करते क्या बोलूंगा मन में 2 फिर 3 फिर 4 और फिर 5। ठीक है चलो एक और ट्राई करके मुझे बता दो कि आपको आया कि नहीं आया फाइनली। हाँ वो लिखने की जरूरत नहीं है आप ऐसे ही बता दो। 7 की पावर 10। हाँ ऑनलाइन वालों बताओ। अरे इतना सारा हो गया क्या? हाँ ऑनलाइन वालों मैसेज करो। चलो टू एट टू फोर सेवन फाइव टू फोर नाइन एक बच्चे के लगा रहा है वैदिक वापस ट्राई करो। अट्ठाईस करोड़ 24,75,249। नहीं आया? ओहो वापस ट्राई करो। 7 इंटू इक्वल्स टू 1 में बोला 2 ठीक है 3 4 5 6 7 8 9 10 बस आ गया ना। देखा ऐसे दूर बैठे ले आता हूं मैं आंसर ठीक है। हाँ वहां नहीं अच्छा तुम्हारे भी आना पड़ेगा करो आ जाएगा उसी को करने दो सक्षम उसी को करने दो अभी मैं देखता हूँ यहाँ से। हाँ ला मुझे तो एक। हाँ क्या हो गया एक एक्स्ट्रा कर रहे थे वहां स्क्रीन पर नहीं देखना अपने को स्क्रीन वाला दिमाग नहीं लगाना अपने को तो अपने कैलकुलेटर पे 7 इंटू इक्वल्स टू किया इंटू इक्वल्स टू प्रेस करते हैं मन में क्या बोलेंगे 2 फिर 3 4 5 6 7 8 9 10 स्क्रीन पर कितना आ रहा है डजेंट मैटर ठीक है ना 10 क्लियर। ओके चलिए अभी सबका सही है। हाँ जी ओके जी वेरी गुड। फिर अब हम और आगे बढ़ते हैं। और अब आप मुझे कैलकुलेट करके बताइए 100 का पावर 1/3। हाँ पावर
कौन बता सकता है ऑनलाइन में? 33.333 गलत आंसर। आपने 100 इंटू 1/3 कर दिया है, ये 100 का पावर 1/3 है। 300 नहीं ध्रुव, हाँ जी करेक्ट है, 4.64। हाँ ठीक, आगे भी है 4.644 समथिंग, नहीं आएगा तुमको, मुझे पता है, ठीक है ना, चांस ही नहीं है कि तुमको आए। हाँ किसी का सीखा हुआ तो एक अलग बात है, अदरवाइज चांस ही नहीं है। देखो इवन 12/5 को भी मैं इस तरीके से सॉल्व कर सकता था जो मैं अब तरीका बताने वाला हूं, लेकिन उसमें नीड नहीं थी अपने को, उसमें अपने को जरूरत नहीं पड़ा, उसमें तो पावर 5 था तो बस मल्टीप्लाई इक्वल इक्वल करके आंसर हो गया, या पावर 7 हो, या पावर 10 हो, या पावर 12 हो, 13 हो, जो भी हो, नॉर्मल पावर था ना, यहाँ पे फ्रैक्शन में आ गया, या कभी मान लो ऐसा आ जाए पॉइंट्स में आ जाए, पावर 0.20, पावर 0.34, फिर क्या करेंगे? तो भी यही स्टेप काम लेंगे जो अभी मैं बता रहा हूँ। अच्छा पावर में इतना बड़ा पावर आ जाए, पावर 730, तो पावर 730 कर दोगे तो क्या बार बार इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू 2, 3, 4, 7, 29 तक बार बार प्रेस करते रहोगे क्या? नहीं होगा ना पॉसिबल, कहीं ना कहीं गिनती भूल जाएंगे अपन। तो ऐसे केस में हमने क्या करना, किसी भी पावर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, टू सॉल्व, नॉर्मल से हो रहा हो मल्टीप्लाई इक्वल टू करने पर तो ठीक है, जो अपने ऊपर लास्ट वाला इक्वेशन ने किया, अदरवाइज टू सॉल्व एनी पावर प्रॉब्लम आपको क्या करना होगा। हाँ ये मैंने थोड़ा व्हाट्सएप लैंग्वेज में लिख दिया मैंने, ठीक है, हाँ जी ये लो पूरा, लेकिन तुम लोग को समझते हो ना ये लैंग्वेज? हाँ तो क्या टेंशन, लेकिन वो एग्जामिनर नहीं समझेगा, ठीक है, तो इसकी आदत अपने को नॉर्मल वाली डालनी होगी। टू सॉल्व एनी पावर प्रॉब्लम, हाँ वैदिक करेक्ट है, क्या करेंगे? 5 स्टेप्स को अपने को फॉलो करना होगा, 5 स्टेप्स को, 5 स्टेप्स। सबसे पहले तो ना अपने कैलकुलेटर पे 100 लिख दो, लिख दिया, अब वो स्टेप्स चालू करेंगे, जैसे जैसे मैं बोलूं वैसा वैसा, ना एक बटन ज्यादा और ना ही एक बटन कम, ध्यान से सबका एक बार में सही आना चाहिए, ठीक है, ओके 100 लिख दिया। अब पहली स्टेप क्या, 12 टाइम्स तुमको क्या करना है ना, रूट का बटन प्रेस करना है, तो रूट का बटन होगा, चलो प्रेस करो रूट का बटन 12 बार किया, ओके अब -1 = 2 कर दो, -1 = 2, ओके अब मल्टीप्लाइड बाय पावर, तो मल्टी और इक्वल टू, मल्टीप्लाई बाय पावर इक्वल टू मतलब मल्टीप्लाई बाय पावर कितनी है 1/3, तो मल्टीप्लाइड बाय 1/3 करो, मल्टीप्लाइड बाय 1/3 इक्वल्स टू, मल्टीप्लाइड बाय 1/3 इक्वल्स टू, फिर उसके बाद वो जो माइनस किया था ना अपन ने 1, उसको वापस लेके आओ, +1 = 2, और उसके बाद 12 टाइम्स आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई इक्वल का कॉम्बिनेशन, मल्टीप्लाई इक्वल 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 12 बार करना है, करो फोर पॉइंट सिक्स फोर फोर। जिसने इंस्ट्रक्शन फॉलो किया उसके तो सही आया, जिसने इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं किया इधर उधर हो गया, कोई बात नहीं है, हो सकता है आपके परेशान मत होइए, ये थोड़ा सा क्या है ना डिफेक्टिव पीस है ये, हाँ ये नहीं, नहीं नहीं कैलकुलेटर आपका, ये जो सीरीज निकली थी नया लाया हो क्या? हाँ तो चेंज करवा लूंगा, क्योंकि ये जो सीरीज निकली थी ना दुमे को, ये थोड़ा सा अलग था, ये प्रॉब्लम करेगा आपको हर बारी ये वाला सीरीज, इसमें कैलकुलेशन थोड़ा अलग तरीके से होता है, तो मे बी कि आपके नहीं आए 100,
एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, हाँ बारह बारह। माइनस वन इक्वल्स टू मल्टीप्लाइड बाय वन डिवाइडेड बाय थ्री इक्वल्स टू प्लस वन इक्वल्स टू, फिर मल्टीप्लाई एक बार, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, ये तो आ गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वन डिवाइड बाय 1.10, ये भी आ रहा है, सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, नहीं है प्रॉब्लम इस वाले में, वरना इस सीरीज वाले में काफी में एक टाइम प्रॉब्लम आई थी। बेस्ट बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, प्रॉब्लम आई थी एक, ये मान लो एक लॉट में या एक मॉडल में वो प्रॉब्लम आई थी, तो अब नहीं लग रहा है इसमें सब एज सच। तो प्रॉपर और बढ़िया है ये, फिर ये सबसे बढ़िया है ये वाला कैलकुलेटर, इसके बटन बहुत सॉफ्ट है। हाँ जी, तो आप वापस ट्राई करो आदित्य, आएगा, लिखो मेरे साथ साथ, लिखो 100, लिखो, लिखा, अब 12 बार रूट, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह। अब माइनस वन इक्वल्स टू, माइनस वन इक्वल्स टू, अब मल्टीप्लाइड बाय 1/3, वन डिवाइडेड बाय थ्री इक्वल्स टू, फिर प्लस वन इक्वल्स टू, प्लस वन इक्वल्स टू, अब मल्टीप्लाई इक्वल 12 बार, मल्टीप्लाई इक्वल 12 बार, मल्टीप्लाई का बटन इक्वल टू का बटन, हाँ बस वही गड़बड़ हो जाएगा। हाँ ठीक है, तो मल्टीप्लाई इक्वल आपको 12 बार प्रेस करना आ जाएगा। धीरे धीरे करोगे ना प्रैक्टिस, तो क्या हो जाएगा, वो फटाफट होने लग जाएगा कैलकुलेशन, अभी भी नहीं है, आ जाओ। प्रगति का आ गया, ध्रुव का आ गया, ऑनलाइन वीवो का आ गया, ठीक रिद्धिमा आ गया, वैदिक आ गया, ओके चलो देखते हैं, ट्राई करते हैं। एरर आ गया तुम्हारे तो सारांश, 100 लिखा, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, फिर उसके बाद माइनस वन इक्वल्स टू, ठीक है, तीसरा स्टेप क्या है, मल्टीप्लाइड बाय पावर इक्वल्स टू, तो मल्टीप्लाइड बाय पावर कितना है, 1/3, तो वन डिवाइडेड बाय थ्री इक्वल्स टू, ठीक है, फिर फोर्थ स्टेप क्या है, प्लस वन इक्वल्स टू, प्लस वन इक्वल्स टू, फिर 12 टाइम्स क्या करना है, मल्टीप्लाई इक्वल, तो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, आ गया 4.644। अब आप ट्राई करो, कुछ ना कुछ मिस्टेक होता है, अदरवाइज आ जाएगा। हाँ इट इज, हाँ जी, तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले 100 लिखा, फिर हमने पहला स्टेप 12 बार रूट, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, फिर हमने सेकेंड स्टेप क्या किया, माइनस वन इक्वल्स टू, सर ये फिक्स होता है क्या, 12 बार करना माइनस वन करना वगैरह सब, हाँ सब फिक्स होता है, ये जो स्टेप लिखी है बाजू में वो पूरी फिक्स है, हर बार किसी भी पावर को सॉल्व करने के लिए स्टेप्स आपको फॉलो करना होगा। फिर उसके बाद मल्टीप्लाइड बाय पावर, तो पावर कितना है, वन डिवाइडेड बाय थ्री, सर कुछ बच्चों को डाउट होगा यहाँ पे, सर मल्टीप्लाई बाय वन करने से कोई मतलब तो है नहीं, डायरेक्ट डिवाइड बाय थ्री कर दें, तो डायरेक्ट डिवाइड बाय थ्री भी कर सकते हैं, लेकिन मैं उस अप्रोच को फॉलो नहीं करूंगा, क्यों, अभी तो पावर में 1/3 है, कभी 2/3 हुआ तो पावर में 2/3 हुआ तो क्या करना पड़ेगा, पावर को हमेशा मल्टीप्लाई, ये स्टेप याद रखो, मल्टीप्लाइड बाय पावर, डिवाइड नहीं, मल्टीप्लाइड बाय पावर, ठीक है, ओके, तो मल्टीप्लाइड बाय वन डिवाइडेड बाय थ्री, हालांकि मुझे भी पता है कि मल्टीप्लाई वन करने से कोई रोल नहीं है, डायरेक्ट डिवाइड बाय थ्री कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी दिमाग में वही रखेंगे, मल्टीप्लाइड बाय पावर। अच्छा फिर उसके बाद फोर्थ स्टेप क्या, प्लस वन इक्वल्स टू, और फिफ्थ स्टेप क्या, मल्टीप्लाई इक्वल का कॉम्बिनेशन, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, डन। एक और ट्राई करना चाहोगे,
ठीक है, देखा कितना बड़ा हथियार लेके घूम रहे हो तुम, अभी तक तो इसकी आधी शक्तियां जाने हो तुम, अभी तो पूरी शक्तियां जाननी बाकी है। चलो बाकी के लोग, हाँ जी, 256 की पावर 1/4, उसको मत देखो, उसने जल्दी कर लिया, टेंशन नहीं, तुम तो अपना करते रहो। इसको रोक दिया बेचारे को। हाँ करो, ऑनलाइन वालों बताओ कितना आ रहा है। 5 स्टेप्स, फोर पॉइंट डबल जीरो टू। ओके रिद्धिमा, ओके वैदिक, ओके ओके सक्षम करेक्ट है, ओके आदित्य 4.002, प्रगति करेक्ट, ध्रुव करेक्ट। ध्रुव पहले गलत कैसे आया और इतना जल्दी सही कैसे आ गया वापस? हाँ कुछ धोखा तो नहीं हो रहा है मेरे साथ। अच्छा 12 टाइम्स नहीं किया था, हाँ धोखा मत करना, ठीक है, आए तभी बोलना कि हाँ आ गया है, अदरवाइज कभी मत बोलना किसी भी फैकल्टी को। हाँ सारांश 4.00, ओके नेवर, हाँ करेक्ट है 4.00, एकदम सही है, और आपके वेरी गुड। अब सुनो जरा ऐसे ट्राई करो इसको एक और तरीके से, 256 की पावर 1/4 का मतलब क्या होता है? पावर 1/2 × 1/2 ना, और पावर 1/2 का मतलब क्या होता है? सिंपली रूट। तो आप क्या करो, 256 का 2 बार रूट कर दो, जरा देखो कितना आंसर आया था। आंसर तो वही आ गया था 2 बार रूट करते ही, इसलिए उसका आंसर आ गया था रियल का। हाँ जी, और आपके 12 स्टेप में भी क्या आया? 4। इससे क्या होता है, क्लियर होता है क्या? इससे क्लियर होता है क्या कि वो हमारी जो 5 स्टेप है वो एकदम परफेक्ट है, सही है, समझ में आया? क्योंकि नॉर्मल 2 बार रूट करेंगे तो भी वही आंसर है प्रोसेस से, और वो 5 स्टेप फॉलो करेंगे तब भी वही आंसर है, ठीक है? तो 2 बार रूट करते आ गया। देखो पावर 1/2 हो तो 1 बार रूट में काम हो जाएगा, 1/4 हो तो 2 बार में हो जाएगा, 1/6 हो तो नहीं, 1/6 में वो आपको 5 स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। क्यों? 1/8 में होगा 3 बार, 1/2 × 1/2 × 1/2, तो 1/2 में 1 बार, 1/4 में 2 बार, 1/8 में 3 बार, 1/16 में 4 बार, 1/32 में 5 बार, ऐसा 2 से मल्टीप्लाई होता हुआ जाएगा। क्लियर है वाली चीज? ओके ठीक है, चलो फिर आज के लिए एक बार इतना बहुत करते हैं, कल और आगे बढ़ेंगे, एक दिन और लगेगी कैलकुलेटर क्लास में, फिर देखते हैं, ठीक है? चलो ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय।